तो सबसे पहले हम स्टार्ट किस तरीके से करेंगे। हमने सबसे पहले जो है न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। न्यू फोल्डर यहाँ पे आप मतलब कि न्यू फोल्डर आप क्रिएट करेंगे और कहीं पे भी आप किसी भी फाइल लोकेशन पे आप अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फोल्डर का आप कोई भी नाम दे दो। फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल 1 है आपका, तो मैं मॉड्यूल 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ और ये कोड मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ। देन मुझे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी एक एक्सटेंशन कर देता हूँ ताकि आपको जूम करके भी दिखाना आसानी रहेगी मुझे। तो अब मैं जूम कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा cmd, ठीक है। cmd से क्या होगा, cmd से आपकी कमांड लाइन ओपन हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि 3 तरीके हैं विजुअल स्टूडियो को फोल्डर उसी फोल्डर पे रहते हो ओपन करने के। क्या किया, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे cmd, यहाँ पे टॉप पे यहाँ पे आप लिखोगे cmd। cmd लिखने के बाद आपको एंटर करना है और आपके पास कोड स्पेस डॉट आपको लिखेंगे, देन यहाँ पे एंटर करेंगे तो आप उसी फोल्डर पे रहते हुए आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है हमारे पास, कि हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी मेरा ये जो फोल्डर है, ठीक है, मेरा ये जो फोल्डर है, सही है, इस फोल्डर को मैं डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकता हूँ यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड पे। तो मैं डायरेक्ट इसको ड्रैग भी कर सकता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप फोल्डर ओपन कर सकते हो। या थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, आप यहाँ से फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन फोल्डर कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। देन उसके बाद मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल, अब मैं पहले सबसे पहले आपको विजुअल स्टूडियो का थोड़ा सा एनवायरनमेंट समझा देता हूँ कि किस तरीके से आप विजुअल स्टूडियो कोड को मतलब कि एक्सेस कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रहा है, यहाँ पे एक न्यू फाइल का ऑप्शन दे रहा है, दूसरा है न्यू फोल्डर का, थर्ड है रिफ्रेश का, और अगर आपको फॉर एग्जाम्पल फोल्डर कोलेप्स करने है उसकी डबल स्क्रीन लेके आनी है तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा। और अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है सबसे पहले, तो आपके पास HTML की फाइल क्रिएट करने के लिए क्या होता है, index.html। जैसे ही मैं HTML की फाइल क्रिएट करूंगा, ठीक है, जैसे ही मैं HTML की फाइल क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आपने चेक किया होगा कि HTML का मेरे पास एक आइकन आ रहा है, ठीक है। तो इस आइकन को ये आइकन किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा है, ये आइकन जो आपकी एक्सटेंशन है उससे आइडेंटिफाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, अभी मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ HTML basic.html, सही है। .html मैंने लिखा, अगर मैं .html अभी हटा देता हूँ, अभी सिंपल HT लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसका कोई आइकन नहीं आ रहा। अगर मैं HTML लिखूंगा तो मेरे पास आइकन आएगा, यहाँ तक क्लियर है। और आप कोई भी नाम दे सकते हो डॉट से पहले, जैसे मैंने index.html दिया, या आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, ठीक है, जैसे अभी मैंने HTML basic दिया है नाम, तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। लेकिन शर्त क्या है इसकी, शर्त ये है कि आप जो है इसका नाम जो है कोई सा भी दो, लेकिन एक्सटेंशन आपको .html ही लगानी, अदरवाइज वो आपकी फाइल रीड नहीं करेगा HTML की, सही है। तो यहाँ से क्लियर है तो मुझे बता दें। देन इसके बाद इसका कुछ कोड का स्ट्रक्चर है। मैंने क्लास 1 में आप लोगों को कोड का स्ट्रक्चर समझा दिया था कि कोड किस तरीके से वर्क करता है। तो ये कि आपको Shift+1 एक्सक्लेमेशन मार्क लेके आना है और इंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास पूरा स्ट्रक्चर, कंप्लीट जो स्ट्रक्चर होता है HTML का, वो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास 2 चाइल्ड हैं HTML के। देन इसके बाद हमारे पास कुछ मेटा टैग्स होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हेड के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं हेड की। हेड क्या है, बेसिकली हेड आपका सर, सही है, और बॉडी क्या है, ये जिसपे आप कपड़े पहनते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हेड की बात करते हैं। हेड के अंदर आपके पास क्या क्या चीज़ें आती हैं, हेड के अंदर आपके पास आते हैं मेटा टैग्स, ठीक है। हेड के अंदर क्या आते हैं, मेटा टैग्स आते हैं। देन उसके बाद मेटा टैग्स के बाद हेड के अंदर आप लिंक इंसर्ट कर सकते हो। अब ये लिंक कौन से हो सकते हैं, CSS के लिंक हो सकते हैं, या एक्सटर्नल लिंक हो सकते हैं, या गूगल फॉन्ट्स के मुझे लिंक अगर इंसर्ट करने वो कर सकता हूँ, या अगर मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ तो मैं बूटस्ट्रैप की जो CDN है वो मैं इसके अंदर लिंक इंसर्ट कर सकता हूँ। तो कोई भी जो लिंक होगा
वो मेरे हेड के अंदर आएगा, इस बात को नोट कर लें। मेटा टैग्स, लिंक, देन इसके बाद टाइटल, ठीक है। तो टाइटल आपका किस पे आएगा, हेड के अंदर। देन इसके बाद और क्या क्या चीज आ सकती हैं, आप हेड के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो यूजिंग स्क्रिप्ट टैग, सही है। इसके अलावा और कौन सी चीजें आ सकती हैं, तो वो फेविकॉन का एक लिंक होगा, वो आप जनरेट करके आप लेके आ सकते हो, या फेविकॉन की आप एक इमेज जनरेट करवा देते हो जी, वो एक्सटर्नल सीएसएस की स्टाइलिंग हमने लिंक में दे दी जी। और एक और चीज है इंटरनल स्टाइलिंग जी, इंटरनल जी जी इंटरनल स्टाइलिंग होगी बेसिकली, वो सही है, वो इंटरनल स्टाइलिंग होगी। हमारे पास सीएसएस की तीन टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी, एक इनलाइन होती है, एक इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इनलाइन कौन सी होती है, जो आपकी टैग के अंदर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर टैग की बात करता हूँ, टैग क्या आपका, जो मेरे इन्वर्ट जो ग्रेटर देन और लेस देन का जो साइन है, ये टैग है, सही है। इसके अंदर जो भी होगा वो टैग है, सही है। और इसका जो क्लोजिंग टैग होगा वो क्या होगा, वो फॉरवर्ड स्लैश से आपके पास क्लोजिंग टैग होगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे H1 लिखना है, ठीक है, तो H1 लिखूंगा, ये मेरे पास एक टैग है, ठीक है। तो H1 का टैग क्या बता रहा है, मेरे पास एक हेडिंग है। अब इसके अंदर अगर मुझे स्टाइलिंग करनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, और मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, स्टाइल, और यहाँ पे अगर मुझे स्टाइलिंग करनी होगी मुझे कलर, और मैं यहाँ पे कलर दे दूंगा, फॉर एग्जांपल कोई सा भी मैं कलर दे देता हूँ, और ये एक स्टाइलिंग हो गई। एक बेसिक सा मैंने एक स्ट्रक्चर बता दिया, ये क्या इनलाइन स्टाइलिंग है, ठीक है। अगर मैं इंटरनल की बात करता हूँ, तो इंटरनल में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे स्टाइल का एक टैग आएगा, और इसके अंदर आप H1, और देन इसके बाद जो है इसकी जो आपने ये जो H1 का जो टैग है इसको आप ऊपर यहाँ पे लिखेंगे, देन इसके बाद ये जो आपके पास ब्रेसेस हैं, ये कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आप कलर चेंज कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक। तो H1 आप इस तरीके से भी स्टाइलिंग कर सकते हो। अगर स्टाइलिंग अभी समझ नहीं आ रही, तो अभी स्टाइल CSS का कोई टॉपिक हम डिस्कस नहीं कर रहे थे डिटेल में, तो मैं जब पढ़ाऊंगा CSS तो तभी मैं आपको स्टाइलिंग के बारे में सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दूंगा। अभी सिंपल ये समझें कि हमारे पास कुछ मेटा टैग्स होते हैं, ठीक है। लिंक्स आप हेड के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो, लिंक्स आपके पास बहुत सारे लिंक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको जावास्क्रिप्ट का लिंक देना है, या अगर आपको एक्सटर्नल फाइल का सीएसएस का लिंक देना है, या अगर आपको गूगल फॉन्ट्स का लिंक देना है, या अगर आपको बूटस्ट्रैप का लिंक देना है, तो आपके पास बेशुमार लिंक्स हैं। वो सारे लिंक्स आप किसमें दोगे, हेड के अंदर दोगे। देन इसके बाद टाइटल आ जाएगा, देन इसके बाद स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, देन इंटरनल स्टाइलिंग भी आप कर सकते हो। तो ये सारी चीजें किसके अंदर होती है, सारी चीजें हेड के अंदर होती है। अगर आपको कॉन्टेंट लिखना है, कॉन्टेंट से क्या इसकी मीनिंग क्या है, कॉन्टेंट से वो सारा कॉन्टेंट आपकी बॉडी के अंदर आएगा, जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट किस में आएगा, बॉडी के अंदर आएगा, सही है। और बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग लिख दी, हमारे पास छह तरीके की टोटल हेडिंग्स होती हैं, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी सेलेक्ट नहीं कर रहा, इस पूरे को सेलेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो पहले आप अगर आपने एमएस वर्ड यूज किया हुआ होगा, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप पहले उस कंप्लीट को सेलेक्ट करते हैं, देन आप कॉपी करते हैं यहाँ पे। लेकिन विजुअल स्टूडियो में यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, आप इसको कॉपी डायरेक्ट करो कंट्रोल सी उसी लाइन पे रहते हुए, देन मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और मैं सिर्फ पहला टैग चेंज कर रहा हूँ, तो एंडिंग टैग खुद ही चेंज हो रहा है मेरा, ठीक है। तो मेरे पास कितने यहाँ पे छः हेडिंग्स हैं, तो छः हेडिंग्स मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आप हेडिंग्स दे सकते हो। सबसे बड़ी हेडिंग होगी आपकी H1, देन उसके बाद होगी सबसे छोटी हेडिंग आपकी होगी H6। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और सेव करके मैं ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अच्छा ओपन विद लाइव सर्वर किस तरीके से आएगा, आपको मैं कुछ एक्सटेंशन बता देता हूँ। आपको सबसे पहले तो करना है ये एक्सटेंशन ऑटो क्लोज टैग, ये अपने पास लिख ले, ऑटो क्लोज टैग हो गया। देन इसके बाद आपके पास है यहाँ पे ऑटो रीनेम टैग, सही है। देन इसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट पेयर कलराइज, ये ब्रैकेट पेयर कलराइज की एक एक्सटेंशन है। इससे क्या होगा, आप कभी भी आप अगर सी एस एस में ब्रैकेट्स लगाते हैं तो वो कलराइज फॉर्म में आ रहे होंगे। अब वो कलर मतलब कि इसमें पता चल रहा होगा कि ये ब्रैकेट किसका है, ये ब्रैकेट किसका है, तो एक कलर के हमारे पास ब्रैकेट नहीं आ रहे होंगे, ठीक है।
देन इसके बाद हमारे पास है HTML CSS सपोर्ट, ठीक है। देन इसके बाद है लाइव सर्वर, ये लाइव सर्वर आपको एक्सटेंशन लाजमी करनी है, ठीक है। और इसके अलावा VS, ये प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन है, इसको भी नोट डाउन कर लें। देन इसके बाद लास्ट हमारे पास एक्सटेंशन है VS कोड आइकन्स की, और लास्ट में आपको ये VS कोड आइकन्स की एक्सटेंशन करनी है, ठीक है। देन अपने उस पर आ जाते हैं कोड पे, तो आपने यहाँ तक कर लिया। अब इसको मैं सेव करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ। अब जैसे ही मैं ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ब्राउजर में सबसे बड़ी हेडिंग H1, सबसे छोटी हेडिंग H6। तो H6 सबसे आपकी छोटी हेडिंग होगी और सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होगी, H1 होगी, ठीक है। तो इसके अंदर दूसरा काम क्या कर सकते हैं हम, ये तो हेडिंग्स के बारे में मैंने बता दिया, ठीक है। अब मेटा टैग्स की बात कर लेते हैं। मेटा टैग क्या होता है, देखिए करेक्टर सेट और UTF-8, ये क्या, सबसे पहले तो ये आपके पास एक एट्रीब्यूट है और ये क्या होती है, ये वैल्यू होती है, सही है। कभी भी किसी भी टैग के अंदर अगर इस तरीके का आपको कुछ दिखे, सही है, तो ये क्या होता है, बेसिकली सबसे जो पहली वैल्यू होती है टैग के अंदर वो क्या होती है, आपकी एट्रीब्यूट होती है। देन उसको इक्वल करके जो उसके पास जो उसके बाद जो वैल्यू आ रही होती है, ये इस एट्रीब्यूट की वैल्यू है, करेक्टर सेट की वैल्यू, ठीक है। अब मेटा टैग के अंदर आपने देखा होगा कि कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जो भी टैग ओपन होगा क्लोज भी होगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश उसकी पहचान है, ठीक है। तो अगर मैं बॉडी टैग ओपन करता हूँ, बॉडी का टैग, तो उसका बॉडी का टैग क्लोज भी हो रहा है, लेकिन मेटा टैग के अंदर वो खुद ही क्लोज हो रहा है। तो HTML के अंदर ये नोट डाउन कर लें कि कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जो खुद क्लोज हो जाते हैं, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। कौन से, सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब सबसे पहले मेटा टैग की बात करता हूँ, तो करेक्टर सेट होता है हमारे पास, और करेक्टर सेट यहाँ पे UTF-8 है, मतलब कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, और वो आपकी कीबोर्ड के जो कीज होंगी, जो पंचुएशन होंगी, जो सिंबल्स होंगे, जो करेक्टर्स होंगे, उसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी लिखते तो आपके ब्राउजर्स इतने स्मार्ट हैं, वो खुद ही समझ जाते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड है फॉलो करते हैं, तो एक स्ट्रक्चर है आपको फॉलो करना पड़ेगा। देन दूसरा हमारे पास मेटा टैग आता है नेम। अब नेम में हमारे पास ये आ रहा है व्यू पोर्ट, ये बेसिकली क्या है, इसमें हम बताते हैं कॉन्टेंट इक्वल टू विथ डिवाइस विथ, विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, मतलब क्या, आपकी जो स्क्रीन होगी, सही, उसकी एक विथ होगी, आपकी एक स्क्रीन होगी उसकी एक विथ होगी, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक लैपटॉप की स्क्रीन है, एक मोबाइल की स्क्रीन है, एक LCD की स्क्रीन है, अब मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अपनी वेबसाइट को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन कर रहा हूँ, और ओपन करके मैं चेक कर रहा हूँ, और वहाँ पे मेरे पास हर कहीं पे डिफरेंट लेआउट आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे मीडिया क्यूज दी हुई है। अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आपके पास एक ही स्क्रीन होगी, उसको रिस्पॉन्सिव भी तो बनाना है, तो उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए आप क्या करते हो, आप उसकी मीडिया क्यूरीज लिखते हो, और यहाँ पे HTML के अंदर आप बता देते हो कंटेंट इक्वल टू विथ जो भी होगी वो डिवाइस के विथ इक्वल हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। देन इसके बाद ये जो इनिशियल स्केल 1.0 ये बाय डिफॉल्ट होता है, क्लियर। तो मुझे यहाँ तक बता दें मेटा टैग्स, ये दो मेटा टैग्स आपको क्लियर हो गए। और ये जो टाइटल है आपके पास, ये टाइटल क्या है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ टाइटल के अंदर कुछ भी, मैं अगर यहाँ पे HTML बेसिक, मैं यहाँ तक लिखता हूँ HTML बेसिक, ठीक है। और ये जो टाइटल है ये मेरे पास ब्राउजर में, जो मेरा ब्राउजर है, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा होगा कि मेरा जो भी टाइटल है, जो मैंने टाइटल के यहाँ पे दिया है, ये टाइटल मेरे टैब पे दिखा रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML बेसिक, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा होगा। देन इसके बाद हमारे पास कुछ और मेटा टैग्स होते हैं, और वो क्या होते हैं, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको आई होप के वो मेटा टैग्स क्लियर हो गए होंगे। अब मुझे, मेरे पास यहाँ पे मेटा टैग्स हैं, और मेटा टैग यहाँ पे आप देखें मेरे पास बेशुमार मेटा टैग। अब फॉर एग्जांपल मुझे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलता हूँ कि वेलकम टू द बूट कैंप। अब मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दी वेलकम टू द बूट कैंप। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ब्राउजर में देखता हूँ अपने, तो यहाँ पे तो मेरे पास कोई डिस्क्रिप्शन मेटा टैग के अंदर कुछ आ ही नहीं रही, क्यों नहीं आ रही मुझे बताएं। मेटा टैग आपके क्या होता है, रफ डेटा होता है। मेटा टैग क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें मेटा टैग क्या होता है, आपका रफ डेटा होता है, ठीक है,
रफ डेटा से क्या मकसद है, रफ डेटा से क्या मकसद है? अगर आप किसी को लिंक शेयर करते हो, अगर आप किसी को लिंक, आपकी जो वेबसाइट का लिंक होगा जी लिंक, वो लिंक आप शेयर करते हो किसी को, तो उस लिंक के नीचे आपके पास कुछ कंटेंट लिखा हुआ होता है, सही है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं गूगल टाइप करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ HTML, ठीक है, कुछ भी मैं लिखता हूँ, ये लिंक आ रहा है आपके पास, ठीक है, ब्लू कलर का ये जो है अंडरलाइन जिस पे आ रही ये लिंक है, ठीक है। अब इसके नीचे जो लिखा हुआ है, ये जो लिंक के नीचे लिखा हुआ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी अंडरस्टैंड, ये क्या है, मेटा टेक के अंदर एक डिस्क्रिप्शन दी हुई, मेटा टेक के अंदर डिस्क्रिप्शन दी हुई है, यहां तक क्लियर है? देखो मैं करके दिखा भी दे, मैं राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे आऊंगा या आप व्यू पेज सोर्स पर, ठीक है। अब यहां पे देखें नेम क्या है, डिस्क्रिप्शन है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूं, मेटा के अंदर क्या नेम डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पे देखें वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड, नजर आ रहा है वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी वे टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो वही डिस्क्रिप्शन आपकी मेटा टैग में आ रही, लेकिन वो ब्राउजर में नहीं आएगी, ये सिर्फ आप जब भी लिंक शेयर करोगे अपना, तो वो लिंक के नीचे आपके पास जो भी आपने कॉन्टेंट लिखा होगा वो आपको लाके दे देगा। देन अगर मैं एक और कीवर्ड की बात करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू कीवर्ड, सही है। अब ये कीवर्ड क्या करेगा, कीवर्ड बेसिकली इस वजह से हम इंसर्ट करते हैं ताकि आपके जो कंटेंट के अंदर जो भी टैग्स हैं, HTML, CSS, JavaScript, कॉमा, यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ, ये सारे टैग्स हैं, ठीक है, ये सारे जितने भी टैग्स हैं, ये क्या करता है, ये आपकी SEO अच्छी करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सही है। ये क्या करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, आपकी जो वेब की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन SEO वो अच्छी करता है, ठीक है, आपकी गूगल पे वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी करता है। तो हमारे पास दो टैग होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन का, एक होता है कीवर्ड का, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो मैं यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, हमने डिस्क्रिप्शन लिख दी, दूसरा है हमारे पास मेटा, और मुझे यहाँ पे लिखना है KW, KW का मतलब क्या है, कीवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई भी दे देता हूँ टैग HTML, CSS, JS और एंड सो ऑन, ठीक है, और ये आपकी मर्जी, आपको देना है दे, नहीं देना तो नहीं दें, ठीक है। तो ये मेटा टैग आई होप के यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। हमने हेडिंग्स कवर कर ली, सही है, हेडिंग्स कितने तरीके की, 6 तरीके की हेडिंग्स होती हैं, मेटा टैग क्या होता है, टाइटल क्या होता है। अब आ जाते हैं पैराग्राफ पे, अब पीस से आपको क्या पता चल रहा है, पैराग्राफ, अगर मैं यहाँ पे लो रहे हैं और मुझे अगर 100 वर्ड्स का टेस्ट चाहिए तो मैं 100 वर्ड्स लिख दूंगा, मतलब कि 100 लिखूंगा और एंटर करूंगा तो मेरे पास 100 वर्ड्स का टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखें 100 वर्ड्स का पूरा कंप्लीट टेक्स्ट आ गया। अगर मुझे फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स का टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे 1000 वर्ड्स का चाहिए, तो मैं 1000 लिख दूंगा तो मुझे 1000 वर्ड का एक टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा, डमी टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 वर्ड्स का टेक्स्ट चाहिए तो मुझे 10 वर्ड्स का टेक्स्ट लाके दे देगा। तो अगर जितनी वर्ड्स की आपको नीड होगी उस हिसाब से आप उसके आगे वर्ड्स लिखोगे और वो आपको लाके दे देगा डमी टेक्स्ट, ठीक है। देन इसके बाद फॉर एग्जांपल मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और यहाँ से, और पैराग्राफ को मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको बोल्ड करना है। तो बताएं बोल्ड के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे, जल्दी से बताएं, बोल्ड के लिए बी का टैग, और इसके अलावा यहाँ पे बी का टैग हमने यूज किया बोल्ड हो गया। इसके अलावा अगर मैं HTML5 की बात करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग का टैग यूज करेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग का टैग से भी आप बोल्ड कर सकते हो। अब मुझे इटैलिक करना है तो मैं क्या करूंगा, जल्दी बताएं, टाइम नहीं है हमारे पास, कौन सा, और इसके अलावा EM, सही, दो टैग्स होते हैं हमारे पास, आई या इटैलिक और दूसरा EM से भी इटैलिक। थर्ड है हमारे पास अंडरलाइन, अगर मुझे अंडरलाइन करना है तो यहाँ पे देखिए आपके पास अंडरलाइन आ रही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको एक और बताया था स्ट्राइक का, और यहाँ पे मैं एक और चीज बता देता हूँ, मैंने आपको जो चीज नहीं बताई थी मार्क। अब मार्क क्या करेगा, बेसिकली मार्क आपका हाईलाइट कर देगा, सही, ये जो चीज है हाईलाइट कर देगा, ठीक है। तो हाईलाइट का मकसद क्या है, ये जो आप येलो कलर आप देख रहे हो तो ये येलो कलर उस टेक्स्ट को हाईलाइट कर देगा, जो चीज आपको हाईलाइट करनी है, ठीक है। तो मार्क बेसिकली आपका जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर देता है। देन इसके अलावा
मैं एक और पैराग्राफ लिखता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्राइक या डीईएल, मैं दोनों लिख सकता हूँ। स्ट्राइक और डीईएल से क्या होगा जल्दी से बताएं, सेंटर में लाइन आ जाएगी ठीक है। और इसके आगे मुझे अगर न्यू प्राइस इंसर्ट करनी है तो INS इंसर्ट, और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ $80 ठीक है। और मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास स्ट्राइक से क्या हो रहा है, बीच में अंडरलाइन आ रही है जो कि आपको रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्राइक है, और उसके आगे एक न्यू प्राइस जनरेट हो रही है ठीक है। और फर्ज करें मुझे ये अंडरलाइन हटानी है तो मैं क्या करूँगा, मैं इस इंसर्ट के अंदर स्टाइल का टैग यूज करूंगा और मैं कर दूंगा टेक्स्ट डेकोरेशन नॉन, टेक्स्ट डेकोरेशन जो भी होगी अंडरलाइन वगैरह सब हट जाएगी ठीक है। तो अभी सीएसएस के बारे में नहीं पढ़ रहे तो इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। और दूसरा ये कि डीईएल, डीईएल से भी आप वही काम कर सकते हो ठीक है, डीईएल से भी वही काम हो रहा है, क्लियर है यहाँ तक। तो पैराग्राफ आपने पढ़ लिए और आपने हेडिंग के बारे में पढ़ लिया। अच्छा मैं दोबारा लिंक शेयर कर रहा हूँ ग्रुप में, इसके बाद बीआर और एचआर का आपको फर्क पता होगा। बीआर क्या करता है, लाइन ब्रेक करता है। एचआर क्या करता है, बीआर लाइन ब्रेक करता है, और एचआर क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्रिएट कर लेता है और लाइन ब्रेक भी कर देता है ठीक है। तो बीआर और एचआर का ये फर्क है। अच्छा इसको यूज करेंगे, अभी दिखा दूंगा मैं क्या डिफरेंस है। और इसके अलावा मैंने आपको इमेजेस बता दी थी कि इमेज आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, तो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल मुझे इमेज को इंसर्ट करनी है तो मैं क्या करूँगा, डॉट स्लैश और यहाँ पे मैं कोई इमेज जो है लेके आ जाता हूँ। तो इमेज मेरे पास अभी, तो इमेज के लिए मैं ये दो इमेजेस यहाँ पे सेव करवा देता हूँ ठीक है। तो डॉट स्लैश लिखूंगा तो मेरे पास इमेजेस आ रही है ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास ये इमेज होती डेस्कटॉप पे, फोल्डर के बाहर मेरे पास इमेज होती ठीक है। तो मैं क्या करता, मैं दो डॉट लगाता देन स्लैश लगाता, मैं आ जाऊंगा अपने डेस्कटॉप पर, समझ आ रही बात। तो अगर मेरे उसी फोल्डर में इमेज है तो मैं एक डॉट लगाऊंगा, और अगर मेरी फोल्डर के बाहर इमेज है तो दो डॉट लगाऊंगा ठीक है। तो एक डॉट लगा के मैं उस इमेज को एक्सेस कर सकता हूँ, और मेरे पास जो भी इमेज है वो मेरे पास आ जाएगी ठीक है। और नीचे मेरे पास इमेज आ गई। अब यहाँ पे ऑल्ट का मैंने बताया था कि अगर आपको इमेज शो नहीं होती तो ऑल्ट पे क्या आएगा, वही नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इमेज मेरी शो नहीं होती तो यहाँ पे लिख दूंगा माय इमेज, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और विथ 120 और हाइट 20, तो ये बहुत छोटी सी इमेज हो गई। तो ये आपके पास एक इमेज आ गई है, आप इस तरीके से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा आप बुक को फॉलो कर लेते हैं, हमें बुक कौन सी फॉलो करनी है। अच्छा एक और टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है, लिस्ट का। कमेंट करना आता है लोगों, कमेंट का बता दूं। सही, तो अभी मुझे ये बताएं कि यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ तक इमेजेस के अंदर, पैराग्राफ के अंदर और हेडिंग्स के अंदर अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है या कोई चीज समझ नहीं आई तो वो मुझे बता दें। अगर अभी तक कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें, जल्दी से इन्फॉर्म कर दें मुझे। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें, कोई क्वेश्चन नहीं है मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके अच्छा ये मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने तरीके की लिस्ट होती है। सबसे पहले तो मुझे इन्फॉर्म करते हैं कि हमारे पास कितने तरीके की लिस्ट होती है, कौन कौन सी। डेफिनेशन लिस्ट, सही है। ऑर्डर लिस्ट होती है, सेकंड होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, और थर्ड कौन सी होती है, डेफिनेशन लिस्ट। तो इसकी एग्जांपल्स हम कर लेते हैं, और एग्जांपल्स करने के लिए हमारे पास एक बुक है, तो वो बुक मैं ओपन कर लेता हूँ और
मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा मैं जो बुक ओपन कर रहा हूँ ये जो है, हम इससे सिर्फ HTML के कॉन्सेप्ट्स लेंगे क्योंकि इसके अंदर HTML के कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। सही है, तो HTML के कॉन्सेप्ट इससे लेंगे और जो CSS के जो कॉन्सेप्ट्स है वो हम ब्लॉक से लेंगे। ठीक है, हमारे पास कुछ ब्लॉक्स हैं जो कि ग्रिड हो गया, फ्लेक्सबॉक्स हो गया और कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, तो वो वहां से लेंगे। और कुछ मेरे अपने स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई हुई है, जो मुझे कहीं और से नहीं मिली थी, तो ये कि वहाँ वो समझाने के लिए आपके लिए आसानी होगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमारे पास तीन तरीके की लिस्ट होती है, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है ऑर्डर, एक होती है डेफिनेशन। तो इसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है, सबसे पहले तो एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के बारे में, देन इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट, देन इसके बाद हमारे पास है ऑर्डर लिस्ट के बाद डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, तो मेरे पास तीन तरीके की लिस्ट है, और अब मैं इसका आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। पहले तो आप यूएल क्रिएट करेंगे, देन आप इस तरीके से लिस्ट क्रिएट करते थे। आप क्या करते थे, इस तरीके से आप यूएल देन एलआई, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अगर कोई चीज लिखनी है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एप्पल, या अगर मुझे कोई फ्रूट्स के नेम यहाँ पे प्रेजेंट करने, तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। और ये यहाँ पे आपके पास कोई भी डायनेमिक डेटा हो सकता है, एप्पल हो गया या बनाना हो गया या ऑरेंज हो गया, आप इस तरीके से अपनी लिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सिंपल तरीका हो गया कि आप इस तरीके से अपनी लिस्ट क्रिएट कर रहे हो, ये अनऑर्डर लिस्ट हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं टाइप लिखता हूँ यूएल के आगे, मुझे ये सर्कल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे स्क्वायर में लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टाइप लिखूंगा और टाइप लिख के इक्वल करूंगा, और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे स्क्वायर में लाना है, तो स्क्वायर में ये मेरे पास जो ये सर्कल में था वो राउंडेड में हो गए। अगर मुझे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल, ठीक है, और सर्कल लिखता हूँ तो ये मेरे पास सर्कल में आ जाएंगे। तो आप इसकी टाइप भी चेंज कर सकते हो, सही, आप इसकी यहाँ पे टाइप भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे टाइप्स आ रही हैं, और वो टाइप्स भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जी जी कोई क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। ठीक है, अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, अब मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, और उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको बता दूँ। देखें, आपने यहाँ पे क्रिएट किया, या यहाँ पे हम ये हटा देते हैं, हम यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे एक यूएल क्रिएट किया। ठीक है, अब यूएल क्रिएट करने के बाद हमने क्या किया था, लिस्ट एक क्रिएट की थी एलआई। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, हमने यूएल क्रिएट किया था, देन हमने एलआई क्रिएट किया था। अच्छा, ये जो भी इनिशियल्स लेके आ रहे हैं मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अच्छा, तो मुझे बताएं कि हमने एक यूएल क्रिएट किया था अनऑर्डर लिस्ट, और उसके अंदर हमने एलआई क्रिएट किया था जो हमारा यूएल का टैग है। ठीक है, अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या, फॉर एग्जाम्पल मुझे यूएल के अंदर एलआई चाहिए, तो मैं ये जो ग्रेटर देन का साइन है वो इंसर्ट करूंगा। और इसका एक और मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट बता दूँ, बहुत से स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट इसका क्लियर नहीं होता, जिसका जो ब्रैकेट ओपन है, मतलब कि जिस तरफ से वो ओपन होगा ना, तो उस तरफ से आपको यूएल की तरफ लेफ्ट साइड पे इंडिकेट करना है, मतलब कि यूएल की तरफ आपको इंडिकेट करना है उस ब्रैकेट को। ठीक है, तो यूएल के अंदर मुझे क्या चाहिए, एलआई चाहिए, और एलआई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इट्स डिपेंड ऑन यू। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं इसको हटा दूँ अभी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल यूएल के अंदर, तो मैंने ये जो ग्रेटर देन साइन लगाया है, इसका क्या मतलब है, यूएल के अंदर मेरे पास एलआई आएगा, और एलआई को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 टाइम्स, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई। ठीक है, और वही कॉन्टेंट आप इसके अंदर लिख सकते हो, एक तो ये पॉसिबिलिटी हो गई। अब इससे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। देखिए, मैंने एल आई लिखा, और एल आई के यहाँ पे लगा दिए डॉट, एल आई के आगे मैंने क्या लगा दी, एल आई डॉट। अब डॉट का मतलब क्या है, क्लास, और हैश का मतलब क्या है, आईडी। डॉट का मतलब क्या है, मुझे काइंडली बता दें, डॉट का मतलब क्या है, क्लास और
जी, डॉट का मतलब क्या है, क्लास, और मैं ऐसा रिपीट करें, और दूसरा क्या है, हैश का मतलब क्या है, आईडी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो मैं यहां से क्लियर कर देता हूं। जी, आप जब भी डॉट इंसर्ट करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा होगा, ये देखें, मैं यहाँ पे डॉट मैंने जो लगाया था यहाँ पे, या इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको कॉपी करके एक न्यू फाइल। अच्छा, यहाँ पे मैंने li डॉट, अब ये डॉट क्या है, डॉट उस क्लास के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा होगा, li के अंदर जो टैग होगा उसके अंदर हमारी क्लास आ रही होगी। तो अगर मैं डॉट लगाता हूँ और उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 times, तो li के अंदर मेरे पास क्लास आ गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं li पे यहाँ पे हैश लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको 3 times रिपीट करता हूँ तो मेरे पास आईडी आई हुई। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे डॉट लगाना है और डॉट लगा के मुझे यहाँ पे क्लास देनी है, तो li डॉट ए, और यहाँ पे मैं इंटर करूँगा, और मेरे पास जो है मेरे पास कंप्लीट जो है क्लास आ गई है, लेकिन उसके आगे जो मैंने डॉट के आगे जो भी नाम दिया था वो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ए के आगे, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ, डॉलर डॉलर इंसर्ट कर रहा हूँ, और डॉलर इंसर्ट करूंगा तो मैं एंटर करूंगा तो मेरे पास A1, A2, A3। अब डॉलर क्या कर रहा है, आपकी जो काउंटिंग है वो मतलब के 1, 2, 3 काउंटिंग में लेके आ रहा है। ठीक है, तो वन एक इंक्रीमेंट कर रहा है, यहां तक क्लियर है? तो मैंने सिंपल कुछ भी नहीं किया है, डॉट ए, डॉट ए का मतलब आपकी जो क्लास है और उसके साथ काउंटिंग आ जाएगी 1, 2, A1, A2, A3। तो जैसे मैं यहाँ पे A1, A2, A3, मतलब कि ये जो 1 आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है, ये आपके डॉलर साइन से आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। देन फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में लगा रहा हूँ और मुझे कंटेंट चाहिए li के अंदर, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल एप्पल, और मैं इसके आगे लगा देता हूँ डॉलर। डॉलर क्या करेगा, आपकी काउंटिंग लेके आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देन इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 3 times। अब यहाँ पे देखें, यूएल li, li के अंदर क्लास आ रही, क्लास के अंदर हमारे पास A1, A2, A3, और जो हमने यहाँ पे एप्पल के अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो कंटेंट दिया था, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने जो कंटेंट दिया था वो आ गया एप्पल एप्पल एप्पल, और ये जो डॉलर है 1 डॉलर साइन इसके साथ आएगा 2, और डॉलर साइन इसके साथ आएगा 3। यहाँ तक क्लियर है? तो काइंडली मुझे बता दें यहाँ तक क्लियर है या नहीं, मैं इसको दोबारा रिपीट कर दूं। मरियम आप बता दें, और सलमान आप बता दें, और तलहा आप बता दें जल्दी से। ठीक है, चले आगे बढ़ो। ठीक है, आप रिपीट कर दूं। जी प्रोफेसर, जी, देखिए अगर आपको आईडी चाहिए तो आप हैश लगाएंगे, सही है? अगर आपको आईडी चाहिए तो आप हैश लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करता हूँ नीचे, ठीक है, डिफ, या मैं डिफ भी नहीं कर रहा, मैं सिंपल हैश लगा के मैं, और यहाँ पे सही जी, देखिए हमने क्या किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सही है, देखिए हमने सबसे पहले, तो आप दोनों लगा दो, डॉट और हैश दोनों लगाओ, तो आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज है, मैं करके दिखा देता हूँ। देखें, यूएल, यूएल के अंदर मुझे क्या चाहिए, एलआई, आपको एक आईडी भी चाहिए, नेम, और डॉट मुझे चाहिए ए और डॉलर। ठीक है, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई 3 times। क्लियर है यहाँ तक? मेरे पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, आईडी भी आ रही, क्लास भी आ रही। और कोई क्वेश्चन? देखिए आईडी, देखिए आईडी आपकी यूनिक होती है, आईडी आप हमेशा पेरेंट एलिमेंट को दोगे। ठीक है, और क्लास आपकी बार बार आप रिपीट कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक, मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, या इसको कमेंट नहीं करते, इसी के नीचे करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक H1 दिया, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ हेडर। ठीक है,
और इसको मैं एक्स एक बॉक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब कि हमारा एक डिव होगा, डिव क्या काम करेगा, डिव आपका एक बॉक्स है और वो उसके अंदर जितना भी आप कंटेंट लिखोगे वो एक बॉक्स के अंदर, एक सेक्शन के अंदर क्रिएट होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास एक हेडर है ठीक है, और इसका जो सेक्शन है ये मेरे पास कहाँ तक आ रहा होगा, ये एक हेडर है, ये एक डिव के अंदर मैंने बनाया हुआ ठीक है। अब इसके अंदर जो भी कंटेंट होगा, अगर कंटेंट ज्यादा होगा तो डिव थोड़ा बढ़ जाएगा ठीक है, अगर और कंटेंट ज्यादा होगा तो वो डिव एक सेक्शन बढ़ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे एक और एक अलग सेक्शन होगा, इसी तरीके से मेरे पास ये एक अलग सेक्शन होगा, और इन हर किसी को मैं एक एक डिव के अंदर रखूंगा ठीक है। अब क्या मैंने बोला, हर किसी को एक एक डिव के अंदर रखूंगा ठीक है। अब मेरे कहने का मकसद क्या है, मैंने एक डिव क्रिएट किया, इस पेरेंट एलिमेंट को मैं दूंगा आईडी, इस पेरेंट एलिमेंट को मैं क्या दूंगा आईडी। अब आईडी मैंने बताया था आपको यूनिक होनी चाहिए ठीक है, और इस आईडी को मैं अगर मैं यहाँ पे देता हूँ हेडर ठीक है, और यहाँ पे मुझे देना H1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडर ठीक है, और यहाँ पे पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं लोअर कुछ भी टेक्स्ट दे देता हूँ, और इसको हम देन, इसके बाद ये आपका एक डिव कंप्लीट हो गया, ये डिव का टैग आपका कंप्लीट हो गया। डिव मैंने आपको बताया था एक बॉक्स क्रिएट करके दे रहा है ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, एक दूसरा डिव क्रिएट कर रहा हूँ और उसके साथ मैं एक और आईडी ले रहा हूँ, डिव हैश, और वो आईडी लिख देते हैं मेन सेक्शन। मतलब कि आपका जो मेन सेक्शन है बॉडी का, सेंटर का जो सेक्शन होता है वो आपके पास लाके दे रहा है, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ मेन बॉडी ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके नीचे कुछ डमी टेक्स्ट दे देता हूँ ठीक है। मेरे पास डमी टेक्स्ट आ गया, देन इसके बाद एक और मैं डिव क्रिएट कर रहा हूँ, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इस मेन सेक्शन की आईडी को हटा के मैं यहाँ दे देता हूँ फूटर, क्लियर है। मैं यहाँ पे फूटर दे रहा हूँ, और यहाँ पे जो मेरी मेन बॉडी है यहाँ पे मैं फूटर, और मैं इसको सेव करवा, और ये मैं जो मेरे पास एनोशन आ रही हैं मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें मेरे पास सबसे पहले तो एक हेडर आ रहा है, इसको मैं रिसेट कर देता हूँ। देखें सबसे पहले मेरे पास क्या आ रहा है, एक हेडर आ रहा है ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉ के लिए ये देखें, ये एक हेडर आ गया, ये एक डिव है, इसका जो कंटेंट होगा ये एक बॉक्स क्रिएट कर लेगा, मेन बॉडी का एक कंटेंट होगा ये एक बॉक्स क्रिएट कर लेगा, देन इसके बाद एक फूटर का हमने डिव बनाया था वो एक बॉक्स क्रिएट कर लेगा सही है। अब ये बॉक्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं, डिव आपका क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट, डिव आपका क्या है, डिव आपका क्या है, एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर आपका जो भी कॉन्टेंट होगा ब्लॉक के अंदर आ रहा होगा ठीक है, और उसको फिर आप स्टाइलिंग कर सकते हो बाद में। अब ये एक स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि एक हेडर हमने क्रिएट किया डिव के अंदर, आपकी उसकी जो आईडी होगी वो यूनिक होगी। अब मैं उस आईडी पे ग्रेड डिस्प्ले ग्रेड करवाऊँ, या डिस्प्ले फ्लैग बॉक्स करवाऊँ, या उसको मैं अपने हिसाब से मैं खेल सकता हूँ, प्रेजेंटेशन उसकी मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ, लेकिन जो आपकी आईडी होगी वो यूनिक होगी। फिर उसके जो चाइल्ड एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैंने H1 दिया, पैराग्राफ दिया, ये चाइल्ड एलिमेंट्स है। अगर मैं उसके अंदर कोई क्लास देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास दी है, और क्लास में मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, अब उसको मुझे अगर स्टाइलिंग करनी है तो मैं उस क्लास को पकड़ूंगा और उसके अंदर मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ, तो वो H1 के अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी वो हो, कलर चेंज करना है या फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो वो मैं इजिली कर सकता हूँ। अगर अभी सिंपल ये समझ लें कि डिव आपका एक बॉक्स क्रिएट करता है, और क्लास आप बार बार यूज कर सकते हो, और आईडी जो है आप पेरेंट एलिमेंट को दोगे, तो ये आप आईडी रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि आईडी हमेशा पेरेंट एलिमेंट को ही दी जाती है, तभी आईडी का एक कॉन्सेप्ट आया। नहीं तो ये कॉन्सेप्ट होता था कि आप क्लास भी पेरेंट एलिमेंट को दे रहे हो और आईडी भी पेरेंट एलिमेंट को दे रहे हो। कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो क्लास में ही काम करते हैं, आईडी क्रिएट नहीं करते अपनी, तो ये आपके ऊपर है, लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो ये कि आप पेरेंट एलिमेंट को एक आईडी दो और बाकी जो चाइल्ड एलिमेंट्स है उसको आप क्लास दोगे। यहाँ तक क्लियर है सही, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया था, और ये मैं इसको अभी रिमूव कर देता हूँ, अभी हमें नीड नहीं है। तो आपके पास ऑर्डर लिस्ट आ गया ठीक है, और ऑर्डर लिस्ट के अंदर अगर आपको कंटेंट चाहिए तो कंटेंट किस तरीके से आएगा जल्दी से बताएं मुझे। लिस्ट के अंदर अगर मुझे कंटेंट चाहिए तो मैं किसके अंदर लिखूंगा कंटेंट, वो
लिस्ट के अंदर मुझे कंटेंट चाहिए, लिस्ट के अंदर एल आई और लिस्ट के अंदर मुझे कंटेंट चाहिए, तो मैं कर्ली ब्रेसेस इंसर्ट करूंगा, सही है, कर्ली ब्रेसेस में देन मैं कंटेंट इंसर्ट करूंगा और मल्टीप्लाई करवा दूंगा 3 times 4 times जितनी टाइम्स मुझे चाहिए, क्लियर है यहाँ तक। और अनऑर्डर लिस्ट की बात कर ली हमने, और मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट की बात करते हैं। अच्छा, ऑर्डर लिस्ट में आपके पास वही तरीका है, ओएल, ओएल के अंदर मुझे एलआई चाहिए लिस्ट, और लिस्ट को मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 times। अब मुझे इसके अंदर अगर कोई कंटेंट लिखना है तो मैं यहाँ पे वही कंटेंट लिख देता हूँ एप्पल, और मल्टीप्लाई करूंगा 3 times, मेरे पास कंटेंट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर भी वही चीज़ है, टाइप, और टाइप क्या करेगा यहाँ पे इसको ब्राउजर में एट अ टाइम ये भी दिखाता रहा आपको। अच्छा, ओएल के अंदर वही चीज़ मुझे टाइप देनी है। अब टाइप के अंदर आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, आप 1 by default 1 2 3 होता है, अगर आपको कैपिटल ए देना है तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो ए बी सी, अगर आपको स्मॉल ए में देना है आप स्मॉल ए बी सी भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इसको रोमन में देना है तो स्मॉल रोमन में भी एक्सेप्ट कर सकते हो और कैपिटल में भी दे सकते हो, यहाँ तक क्लियर है जी, सही है। ऑर्डर लिस्ट की बात हो गई, अब आ जाते हैं वापसी बुक पर, उसके बाद हम डेफिनेशन लिस्ट की बात करते हैं। तो बुक में हमारे पास ऑर्डर लिस्ट हो गई, यहाँ देखिए डेफिनेशन लिस्ट की बात की गई है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, डीएल एक मेन टैग है, ये डीएल का एक क्लोज टैग है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, अब सही स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। हमारे पास क्या है, एक डीएल है और ये डेफिनेशन लिस्ट, मतलब कि एक डेफिनेशन लिस्ट आपने क्रिएट की, ठीक है। और डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करने के बाद हमारे पास अब इसकी लिस्ट किस तरीके से क्रिएट होगी, मतलब कि आपके पास एक डेफिनेशन लिस्ट का आपने टैग ओपन कर दिया और डीटी, सही, और इसके बाद डेफिनेशन टर्म और डीडी, मतलब कि डेफिनेशन डेटा, एक आपने टर्म डिफाइन कर दी, और जी मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है। और नेक्स्ट वीक जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स होंगे फिर उनको एक मैनेजमेंट सिस्टम में ऐड कर दिया जाएगा, और मैं आप सबकी जो भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं आप सबकी मैं खुद आईडी क्रिएट करके आप लोगों को पासवर्ड प्रोवाइड कर दूंगा, और वो फिर आप एमएस टीम डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो यही कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, क्या मुझे दोबारा बताओ क्या चीज़ें समझ नहीं आई, जी वो कहाँ पे यूज होते हैं, वो इस CSS के अंदर यूज होते हैं, आईडी और क्लास जो है किस में यूज होते हैं, CSS के अंदर। जब हम CSS पढ़ेंगे तो आईडी और क्लास में बताऊंगा किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या अगर आपको सेलेक्टर को पकड़ के, अगर आपको टैग को पकड़ के स्टाइल करना तो उसको भी आप स्टाइल कर सकते हो, तो वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा। अभी मैंने सिंपल कॉन्सेप्ट बताया, अभी उसका यूज करना नहीं बताया। तो देखें हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, मैं इसको भी ऑर्डर लिस्ट को हटा देता हूँ, अभी हमें इसका काम नहीं है। डेफिनेशन लिस्ट के लिए सिंपल सा तरीका है, मैंने यहाँ पे 2 definitions सेट कर देता हूँ, और मैं इसको रिमूव कर, और अपने ब्राउजर पे आता हूँ, यहाँ पे देखें मेरे पास डेफिनेशन आ रही है, या हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। देखें आप डेफिनेशन लिस्ट के अंदर सबसे पहले एक तो डीएल का टैग यूज करोगे, ओपनिंग टैग क्या होगा डीएल, और क्लोजिंग टैग क्या होगा डीएल, ठीक है, सबसे पहले काम ही करना है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले आप डेफिनेशन टर्म यूज करोगे, मतलब कि डेफिनेशन टर्म का मतलब क्या, आपका जो आपकी जो हेडिंग होगी, ठीक है, वो आपने देनी है। देन इसके बाद डेफिनेशन डेटा डीडी, मतलब क्या कि अगर आपको फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे क्या देनी, मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो आपने यहाँ पे डीएल, और ये डीएल आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, ये आपका डीएल यहाँ पे क्लोज हो गया। देन इसके बाद ये जो है ये आपका डीटी डेफिनेशन टर्म, आपको वो डिफाइन करना है डेफिनेशन टर्म के अंदर, तो डेफिनेशन टर्म आप इस तरीके से डिफाइन करोगे, ठीक है,
देन इसके बाद आपके पास अगर उसकी डेफिनेशन का कोई डेटा है तो आप डीडी यूज करते हो, आप डेफिनेशन का डेटा यूज कर सकते हो, डेफिनेशन डेटा, ठीक है। तो डेफिनेशन डेटा यहाँ पे आपको क्लोज करना है और ये फॉरवर्ड स्लैश आ रहा होगा आपके पास। देन इसी तरीके से अगर एक ही टर्म की दो डेफिनेशन है तो आप एक को पहले डेफिनेशन डेटा के अंदर टैग के अंदर कॉन्टेंट लिखोगे, अगर दूसरी डेफिनेशन की है तो उसको भी आप डीडी के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने दिया हुआ है एक गेरा डेफिनेशन डेटा, एक दूसरा टैग गेरा डेफिनेशन डेटा, तो दोनों के टैग क्लोज हो रहे हैं और दोनों की एक अलग अलग डेफिनेशन। देन इसी तरीके से अगर मैं डेफिनेशन टर्म की बात करता हूँ तो डेफिनेशन टर्म में अगर आपके पास एक डेफिनेशन की दो हेडिंग्स हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, डीटी, ये देखें डीटी और ये डीटी, ठीक है, डेफिनेशन टर्म और एक आपने डेफिनेशन डिफाइन कर दी, सही। तो यहाँ तक क्लियर है डेफिनेशन भी जी, डेफिनेशन लिस्ट क्लियर है। अगर नहीं है मैं दोबारा बता देता हूँ। जी कर सकते हैं, सही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन लिस्ट, देन इसके बाद हमें ब्रैकेट लगाना है और उसके बाद फिर आपके पास, आप बेसिकली कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। आप कोई भी मेथड, कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर आपकी मैथ अच्छी है तो आप ब्रैकेट लगा के आप कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल डीएल हमने डेफिनेशन लिस्ट क्रिएट करनी, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, डीटी, सही, डीटी के अंदर मुझे क्या चाहिए, डीडी, सही है। और मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 times, तो देखें वही टेक मेरे पास आ गए सारे, समझ आया नहीं आया, देखो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने डीएल लिखा, डीएल के बाद मैंने यहाँ पे लगा दी ब्रैकेट। मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, सबसे पहला सवाल आता है कि ब्रैकेट सर आपने क्यों लगाया, आपने पहले तो नहीं लगाए थे ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट मैंने इस वजह से लगाया, डीएल के अंदर अगर मैं ब्रैकेट नहीं लगाऊं, फर्ज करो चलो मैं ब्रैकेट नहीं लगाता, सही है, और मैं लिखता हूँ डीएल के अंदर मुझे क्या चाहिए, डीटी, और डीटी के अंदर क्या चाहिए, डीडी, और मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 times। अब देखो तो डीएल के अंदर डीटी, डीटी के अंदर डीडी आ गया, तो ये कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने अगर एक उसके अंदर चाहिए तो मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल डीटी को डीडी के अंदर चाहिए, फॉर एग्जांपल डेफिनेशन टर्म को हमें डेफिनेशन डेटा में ही चाहिए अंदर, तो मैं क्या करूंगा एक ब्रैकेट बना दूंगा, उसका एक पेयर बना दूंगा, सही है। तो मैंने तभी यहाँ पे डेफिनेशन टर्म को यहाँ पे डीडी, देन डेफिनेशन टर्म के अंदर हमारे पास क्या आएगी, डेफिनेशन डेटा, और ये दोनों किसके अंदर आएंगे, ये दोनों जल्दी से बताओ, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, डेफिनेशन लिस्ट के अंदर आएंगे ना, डीएल के अंदर आएंगे, ये दोनों किसके अंदर आएंगे, डीएल के अंदर आएंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 times तो यहाँ पे देखें डेफिनेशन टर्म के अंदर डेफिनेशन डेटा, दोबारा डेफिनेशन टर्म के अंदर डेफिनेशन डेटा दे रहा है, और ये दोनों क्योंकि हमने एक ब्रैकेट के अंदर रखे थे तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमें डेफिनेशन लिस्ट के अंदर लाके दे दिया इसमें। अब समझ आया नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा है, फैसल क्लियर है, ठीक है, तो चलें, आई होप कि ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो डेफिनेशन भी आपको क्लियर हो गई, देन इसके बाद जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं, नेस्टेड लिस्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, सबसे पहले तो मुझे आंसर दें कि नेस्टेड लिस्ट क्या होती है, जल्दी बताएं। जिसके अंदर एक और लिस्ट, सही। तो अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे नेस्टेड लिस्ट देनी है, और नेस्टेड लिस्ट मुझे देनी है अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर लिस्ट, दे सकता हूँ अनऑर्डर लिस्ट के अंदर मुझे लिस्ट देनी है, सही है, और यहाँ पे और ऑर्डर लिस्ट देनी है, क्या देनी है, ऑर्डर लिस्ट देनी है, और यहाँ पे मैं एल आई और इसको मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 times, तो
ऑर्डर लिस्ट के अंदर भी मैं ऑर्डर लिस्ट दे सकता हूँ। तो मैंने मैंने सिंपल क्या किया, मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑरेंज और मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 3 times, ठीक है। मेरे पास ये कॉन्सेप्ट लिखा होगा ऑरेंज। अब मुझे क्या करना है, इस ये जो सेकेंड लिस्ट है सही, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे ऑर्डर लिस्ट देनी है। तो मैं क्या करूंगा, अब मुझे अगर इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट देनी है तो मैं एक लिस्ट क्रिएट करूंगा और एक ऑर्डर लिस्ट दे सकता हूँ। सही है, यहाँ तक क्लियर है, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट समझ आया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक लिस्ट के अंदर? लिस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन? यहाँ पे देखें, एक एग्जांपल मैं दोबारा समझा देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्ट हुए हैं। यहाँ पे एल आई आ रहा है, एक और हमारे पास एल आई आ रहा है और उसके आगे एक और ऑर्डर लिस्ट आ रही है, ठीक है। अब आप ऑर्डर लिस्ट भी लगाना चाहें ऑर्डर लिस्ट लगा सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट लगाना चाहें अनऑर्डर लिस्ट भी लगा सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है। तो आप एक एल आई के अंदर एक ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है? मुझे यहां तक बता दें क्लियर है? अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं आगे लिंक्स की। अच्छा, हमारे पास दो तरीके के लिंक्स होते हैं, कौन कौन से हमारे पास कौन कौन से लिंक्स होते हैं जल्दी से बताएं। सही, सबसे पहला लिंक होता है एक्सटर्नल, और इसके बाद कौन सा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल लिंक क्या होता है, सही। तो लिंक अगर मैं बात करूंगा, अगर मेरे पास हेड के अंदर भी लिंक होता है और एचटीएमएल की बॉडी के अंदर भी लिंक होता है, सही है, तो उसका क्या डिफरेंस होगा? एक ये भी क्वेश्चन बनता है ना कि अगर आप लिंक देते हो तो उसका क्या डिफरेंस होगा। नहीं नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ हम लिंक इधर भी देते हैं ना, हेड के अंदर हम लिंक एक इधर भी देते हैं, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे लिंक देना है तो मैं क्या करूँगा, सिंपल लिंक लिखूंगा और मेरा जो सीएसएस का लिंक होगा मैं यहाँ इस तरीके से दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी इसकी मैं बात नहीं कर रहा, एक ये लिंक हो गया, ठीक है। और दूसरा लिंक हमारे पास क्या होता है, बॉडी के अंदर। दूसरा लिंक क्या होता है, बॉडी के अंदर, ठीक है। अब बॉडी के अंदर लिंक, अगर मैं बॉडी के लिंक की बात करूँ तो आपको याद आना चाहिए ए का मतलब एंकर, ठीक है। जैसे मैं ए लिखूंगा तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मैं ए क्यों लिख रहा हूँ, ए का मतलब क्या है, लिंक। ए का मतलब क्या है, लिंक। अब जैसे मैंने ए मतलब के एंटर किया तो मेरे पास एक ए का टैग बना हुआ आ गया, और यहाँ पे मैं अगर हैश लिखता हूँ, हैश क्या रिप्रेजेंट करेगा, उसी पेज को रिफ्रेश करता रहेगा उसी पेज को। और अगर मुझे यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसका लिंक देना है, ये मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ लिंक को, और मैं इसके आगे अगर कुछ भी नहीं लिखूंगा तो मुझे ब्राउजर में नहीं दिखाएगा, कुछ भी नहीं दिखाएगा। देखिए मैंने इसको यहाँ से कॉपी करके सेव किया, देखें ब्राउजर में मेरे पास कुछ आया नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे एंडिंग टैग और ओपनिंग टैग के सेंटर में कुछ दिखाई नहीं है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ओपन W3C स्कूल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर ये लिखता हूँ तो मेरे पास एक लिंक बना हुआ आ गया। अच्छा, अब लिंक की पहचान क्या है, सबसे पहली पहचान है कि वो एक ब्लू कलर का होगा, दूसरी पहचान क्या है, अंडरलाइन होगी, ठीक है। तो ब्लू कलर का होगा, एक अंडरलाइन होगी, और इंटरनल लिंक की बात करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल लिंक के अंदर आप इंटरनल लिंक में आपके पास अगर कोई फाइल है यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास अगर मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ index.html और यहाँ पे मैं सिंपल एक h1 कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे एक h1 दे रहा हूँ और h1 में लिख रहा हूँ सेकंड पेज, सही। इसको मैं सेव करवा देता हूँ और यहाँ पे मैं .slash और मेरी जो index.html फाइल है और यहाँ पे मैं लिख यहाँ पे दे देते हैं इंडेक्स फाइल, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे इसके बराबर में एक और लिंक आ गया, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक HR दे देता हूँ। HR क्या करेगा, HR एक लाइन लाके दे देगा आपको, इसने एक लाइन लाके दे दी,
इंडेक्स फाइल पे मैं क्लिक करूंगा, मेरे पास एक सेकंड पेज ओपन हो गया। अगर मुझे ये पेज न्यू टैब पे ओपन करना है तो उससे मैं क्या करूंगा, न्यू टैब अगर मुझे ओपन करना है तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लगाऊंगा, अगर मुझे एक न्यू टैब में ओपन करना है तो मैं कौन सा एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा और कौन सी वैल्यू दूंगा। सही है, तो टारगेट कर दूंगा अंडरस्कोर ब्लैंक, ठीक है। और जैसे ही अगर मैं अपने ब्राउजर पे जाता हूँ और इंडेक्स पे जाता हूँ तो हमारा ये जो टारगेट है वो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, सही है। और ये देखिए मेरे पास एक न्यू टैब में ओपन हो गया। तो लिंक का चैप्टर भी हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। और आपके पास अब कल जो है हम टेबल्स पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल्स किस तरीके से क्रिएट करते हैं। उसके अलावा हम जो है इमेजेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमारे दो मेन टॉपिक है, टेबल और दूसरा क्या, फॉर्म्स। हमें ये दो चैप्टर कल लाजमी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि फॉर्म्स का चैप्टर भी लेंदी है और दूसरा कौन सा। Yeah.